सारे व्यूअरशिप है, इतने लोग मतलब बोल्ड कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जज करते हैं। सी, अगर कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो नो प्रोड्यूसर विल मेक सच कंटेंट, राइट? ये तो इट्स क्लियर ना कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना पर्सनल शौक तो पूरा कर नहीं रहा है, राइट? मैं इसमें आपको बताऊं, बताइए। जैसे मैंने काफी ओटीटीज के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए काम किया है, हाँ। अधिकतर मैं स्टोरी कंटेंट बहुत वीक रहता है, लेकिन अभी ऑफ लेट मैं जुड़ा हूँ उनसे, नयन तिवारी जी से, उनकी स्टोरी में जैसे आपने भी काम किया है, एक हाँ एक नयापन है। मतलब सिर्फ ये ऐसा नहीं कि ससुर बहू और इस टाइप का इंसेस्टुअस रिलेशन दिखा दिए। मयंक तिवारी की स्टोरी में मैंने देखा स्टोरी है, उसके अलावा मैंने उनकी और स्टोरीज की, तो जरूरत है अभी इन बोल्ड इंडस्ट्री में मयंक तिवारी जैसे मेकर्स की। मयंक तिवारी खुद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तीनों हैं, अपने हिसाब से वो स्टोरी लिखते हैं और बड़ी नई नई स्टोरी। मैंने उनके ऑफलेट उनकी 3-4 करी हैं। ओके। हाँ, तो अभी लास्ट अभी हम लोग 5-8 पहले कर रहे थे, उसमें ये भी थी, साइना भी थी, तो बड़ी अच्छी स्टोरीज लिखते हैं। तो जरूरत है अपने को कंटेंट अच्छा हो, सिर्फ बोल्ड बोल्ड दिखा दे सीन तो ऐसा देखना कोई नहीं चाहता। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको ना रीजनिंग चाहिए, कैसा हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है, अगर ससुर आ रहा है बहू के पास तो क्यों आ रहा है। तो आप जैसे आई नो ये भी थोड़ी सी ग्रेजुअली हमारा सिनेमा बदलते जा रहा है, सो इसमें जो लोग जज कर रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जज मतलब कौन लोग? जो दर्शक हैं, जैसे मैं आपको लड़की के लिए बताती हूँ, अगर मैं किसी को रिप्लाई कर दूँ, सपोज समबडी हैज मैसेज्ड मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ आई एम रिप्लाइंग हिम, तो मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी हूँ, बट द मोमेंट आई स्टॉप और इफ आई इग्नोर, दे स्टार्ट अब्यूसिंग मी, दे स्टार्ट गिविंग मी नेम्स एंड इवन टू एवरीवन। सो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे नहीं पता लड़के कितना फेस करते हैं, बट लड़कियां को बहुत फेस करना पड़ता है। लड़के भी फेस करते हैं कि मेरी भी जैसे फैन फॉलोइंग है, लेकिन विश्वास मानिए मुंबई में तो लाइफ ऐसे ही टफ है और एक्टर्स की लाइफ और टफ है, हमें मतलब काम ढूंढना पड़ता है, हमारी कोई ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री तो है नहीं कि किसी एक जगह पे रिक्वायरमेंट्स आती है, तो टाइम ही नहीं बचता कि आप फैंस के या आपके जो चाहने वाले हैं या जो आपके वाकफियत जिन लोगों से, उनको आप रिप्लाई कर सकें इंडिविजुअली, तो बट नेचुरल आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इससे सामने वाला जिस तरह से आपको लेना चाहे, हाँ ये अकड़ू है या इगोइस्ट है या एनीवे। हाँ, तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि आपने इतना काम किया है, मुझे बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी आर्टिस्ट के साथ सेट पर जबरदस्ती हो जाए या सेट पे फोर्सफुली उसे एक्टिंग कराई जा सके? क्या एक्टिंग फोर्सफुली पॉसिबल है? नहीं, अब देखिए एक होता है कैमरे के आगे वक्त गुजार के चले गए, है ना, तो जैसा अगर इस तरह का काम करेंगे आप, अगर अच्छा उस कैरेक्टर में जा कर के अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप बहुत लंबा इस लाइन में नहीं टिक सकते। आपको एक्टिंग तो अपने फन में माहिर तो होना ही चाहिए। मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बता दूं कि मैं अभी 3-4 पहले ही हमारी एक फिल्म आ रही है छावा, विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की है, मैडॉक फिल्म्स की, उसमें मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट एक शोभाजी दत्तो विलेन है उसका कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा था, जैसे विकी कौशल की बात बताऊँ, सेट पर जब भी आते थे तो हम लोग मुझसे तो गले मिलते थे, पंडित जी ऐसा करके, है ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत दिल को छू, दूसरी उस बंदे की चीज दिखी मुझे। बाकी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छा करता है, डांस वांस वो एक अलग चीज, जो मुझे जो मुझे जो पसंद आया, जैसे अपन को जैसे अपन क्लोज लेते हैं उसमें क्यू जो है एडी वगैरह दे देते हैं, है ना, वो बंदा अपने साथ जितनी बार क्यू हुए कैमरे के पीछे वहां सामने बैठ करके वो बंदा क्यू देता है अपनी जबान साफ कर, हाँ
ऐसा नहीं कि जाके वैनिटी में बैठ रहा है। हाँ, जो सारे एक्टर करते जो करते हैं हाँ, या अधिकतर टाइम करते हैं। लेकिन उस बंदे को मैंने देखा विक्की कौशल को सारा क्यू दिया, जैसे मान लीजिए किसी सीन में 5-6 लोग हाँ। है ना, अपना डायलॉग 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 हो गया, अब क्लोज कट रहा है, तो विक्की कौशल की जहां भी लाइन आएगी तो नॉर्मली 80 बोल देते हैं। लेकिन विक्की कौशल खुद खड़ा होकर के बोलता है, अपनी जबान साफ करता है, जो भी प्रैक्टिस करता है या आपने जैसे कहा कि कई एक्टर्स जो जो सीन पढ़ के नहीं आते या उस कैरेक्टर को जीते नहीं है कैमरे के आगे, समय काट के चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों का तो क्या होगा। करेक्ट, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रही थी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे मान लीजिए कोई हीरोइन आई और वो कहे कि यार मैं बोल्ड सीन नहीं करना चाहती थी, मुझसे जबरदस्ती डायरेक्टर ने करवा दिया। नहीं, ऐसा ना, आप तो खुद ही जानते हैं ऐसा हमारी इंडस्ट्री में कभी नहीं होता। हर एक एक्टर को है, एक्टर एक्ट्रेस हीरोइन को बोल्ड क्यों हो चाहे नॉन बोल्ड हो, उनको पहले से पूरा मालूम होता है कि इस स्टेप में ऐसा ऐसा होने वाला है, ये इतने कपड़े उतरेंगे या ये एक्टिंग करना है, इनएक्ट करना है, सब रहता ना, झूठा ही है ना, मेक बिलीव वर्ल्ड है। जो दीवारें आप देखते हैं सब कार्डबोर्ड की रहती है, ठीक ऐसा ही जो लव मेकिंग जो सीन चलते रहते हैं वो भी सब नकली नकली कैमरा चीटिंग में रहा। लेकिन उसमें भी जितना भी जो करते हैं वो रजामंदी से ही होता है, एक दूसरे को मालूम रहता है, हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, जैसे हम लोग कभी इंटीमेट सीन करते हैं तो पहले से ही मैं हीरोइन से बात करके रखता हूं, देखिए आपको ऐसा पकड़ूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा कर, ऐसा अपनी तरफ खींचूंगा, ये वो सब प्री डिसाइडेड रहता है, जिससे कि उसको भी कंफर्टेबल रहे, अपने को भी कंफर्टेबल। और दूसरी बात, आपके कॉस्ट्यूम ट्रायल्स होते हैं, आपके डायलॉग की रीडिंग होती है, इस सीन के बाद आपका ये सीन होगा, ये तक आपको पता होता है। कई बार खुद आर्टिस्ट अपने अंडर गार्मेंट्स लेके जाती हैं, तो अगर उन्हें नहीं पता है कि ये बोल्ड सीन है या एक्सपोज है इस एक्टर के साथ, तो अपने अंडरगार्मेंट्स को कैरी नहीं करेंगे। एंड दूसरी बात, शूट में इतने सारे लोग होते हैं तो उनके बीच में उस मोमेंट पोस्ट कमरे में हाँ, आपका हेयर वाला होता है, मेकअप वाला, क्योंकि जब आप लिप किस करते हैं आपकी लिपस्टिक ऊपर नीचे हो जाती है, तो मेकअप वाला क्या अपनी लिपस्टिक सही कर रहा होता है, आपके बाल, अगर मेरा कैमरा यहाँ लगा हो मेरे फेस पे बाल आ गए हैं तो हेयर वाले के बाल पीछे कर रहे होते हैं। कई बार आर्टिस्ट थक जाता है तो एडी आगे पलंग हिला रहा होता है ना, और कई बार ऐसा होता है कि बिना एक्टर के प्रेजेंस के, जैसे हीरो को हमने हटा दिया, हमने नीचे पिलो रख दिया, शी जस्ट एक्टिंग एज इफ शी इज डूइंग समथिंग, वो कैमरा चीट करते रहते हैं कि जैसे बात कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें पहले से नहीं पता होंगी तो एक्टर कैसे कर लेगा। वही तो, सब कुछ जबरदस्ती यहाँ कुछ नहीं होता। करेक्ट, हीरोइन की या फीमेल एक्ट्रेस की मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता, उनको पहले से मालूम है, सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है। और दूसरी बात, अभी जैसे शूट हुआ, उसके बाद शूट के बाद एडिटिंग के बाद डबिंग भी होती है, तो डबिंग तो आर्टिस्ट खुद करता है, और डबिंग वो आउटकम होता है जो फाइनल आउटकम होता है, उस वक्त तो देख ही रहा है, देख ही रही है वो, एंड देन शी गोस टू ब्लेम करे, आई हैड नो आईडिया, ऐसा पॉसिबल नहीं, वो पता नहीं क्यों जो कंपल्सिव लायर है झूठ बोलना, जो मेरे साथ जबरदस्ती होगी, मेरे साथ मुझसे जबरदस्ती वो करवा लिया बोल्ड सीन, ऐसा कोई जबरदस्ती बोल्ड सीन नहीं होता। एक्टिंग हैज ऑल द एक्सप्रेशंस, फोर्सफुली आप कैसे से एक्सप्रेशन दिलाओगे। और बहुत, और कोई भी सीरीज एक दिन में तो कंप्लीट होती नहीं है, तो अगर आपके साथ एक दिन फोर्स हुआ है दूसरे दिन तो नहीं होगे, दूसरे दिन आप फिर से कॉल टाइम पे पहुंच गए, कॉल टाइम पहुंच गए, फिर से जबरदस्ती करवाने, सुबह 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 9 बजे फिर से फोर्स करवाने, कम इन रेप मी, जबरदस्ती यहाँ कुछ नहीं होता। करेक्ट, और मुझे एक और चीज बताइए, जैसे कि आप बिहार से हैं बट आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है भोपाल से की है, आपकी फैमिली होगी जो आपके बिहार में होगी, कुछ भोपाल में होंगे, तो इनमें से कुछ लोगों को तो पता होगा कि आपने कोई बोल्ड सीरीज कर रखी है कि नन ऑफ देम। नहीं, सभी को पता है, जैसे मेरा एस्टेब्लिशमेंट, वैसे मैं पैदाइश बिहार की है कटिहार डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन मेरी एजुकेशन पूरी मध्य प्रदेश में हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट भोपाल में मेरा बिजनेस भी है, वाइफ वो बिजनेस रन करती है, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ, आते जाते रहता हूँ, मेरे बच्चे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, बेटी दुबई में
मैनेजर है, बेटा कनाडा मैनेजर है, वो सबको मालूम है कि मतलब इसमें ना मालूम होने वाली चीज ऐसा या अलग से बताने वाली चीज कि मैं बोल्ड काम कर रहा हूँ, ये तो ऐसा हो गया कि अब मैं हर वक्त ये बताऊं कि अब आज मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूं, आज मैं बलात्कारी ससुर बनाऊं, आज मैं डकैत बनाऊं, ऐसा कोई नहीं। मालूम सबको है कि भाई एक्टिंग, पापा एक्टिंग फील्ड में एक्टिंग कर रहे हैं। Exactly. चाहे वो मैं बोल्ड बनूं चाहे इंस्पेक्टर बनूं, एक्टिंग इज एक्टिंग। Exactly. ऐसा पर्सनल या ऐसी कोई चीज तो रहती नहीं। So, कभी ऐसा हो है कि लाइक आपके किसी रिलेटिव ने आपकी कोई सीरीज की पायरेसी हो गई हो, व्हिच इज वेरी कॉमन, पायरेटेड कंटेंट हियर एंड देयर कीप रनिंग, तो आपके किसी रिलेटिव ने, आपके किसी दोस्त ने, आपके दोस्त मेल फ्रेंड ने देखा, अरे तुम्हारे तो मजे हैं, तुम ये सीन कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए इसमें ये बात मैं बताता हूँ, इससे पहले एक बात मुझे अचानक ध्यान आ गई। प्लीज बताएं। मेरी बड़ी बहन है, डॉक्टर है, उनका बेटा, तो उनका बेटा ये मुंबई में है इंजीनियर है, और उसका भी बेटा, मतलब मैं उसका, उस बच्चे का मैं दादा हुआ। ओके। एक बार उसके फादर से बात हो रही थी, तो एक बार हंसी हंसी बोलता है, कल को मैं, मतलब मेरे पोते को, कि इसको पता लग गया कि दादाजी बोल्ड काम कर रहे हैं, तो वो कभी फिल्म में देखेगा, अरे ये तो दादाजी है, ये दादाजी ये क्या कर रहे हैं। छोटा बच्चा भी टॉडलर है, घुटने के बल चलता है, तो ये थॉट ही इमेजिन करके ही मैं इतना हंसा। तो आपने पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि आपके कभी किसी दोस्त ने, आपके कोलीग या आपके बैचमेट, क्योंकि लड़के हमेशा अपने दोस्तों के टच में, हाँ ये तो वो लोग भी मानते हैं जो इस इंडस्ट्री में, वो मानता है कि बहुत मजे कर रहे हैं, है ना, तो हाँ जैसे कि मेरा फ्रेंड, दो तीन फ्रेंड्स हैं जो मध्य प्रदेश में ही अभी डिविजनल इंजीनियर लेवल में एमपीईबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, और अभी उनका रिटायरमेंट वगैरह, तो वो लोग अक्सर बोलते हैं यार तू तो मुंबई में मजे कर रहा है, इतनी सारी लड़कियों के साथ काम कर रहा है, मैं अभी आता हूँ मुंबई, आता हूँ मिलवा उनसे। मैंने कहा भैया वो लोग एक्ट्रेसेस हैं, अपना काम कर रही हैं, कोई मेरी फ्रेंड थोड़ी ना जो तुमको मिलवाऊंगा। तो चुटकी तो लेते हैं, क्योंकि आम इंसान जो कि जो मुंबई से बाहर है, इस इंडस्ट्री से बाहर है, वो उतने ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता कि हमारे लिए काम है, हम यहाँ मजे नहीं मार रहे। जब 12 घंटे की जब शिफ्ट होती है, तो आप तो अच्छे से जानती है कैसी हालत हो जाती है। मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स 12 घंटे की नहीं होती है, 12 घंटे बोलो 15 घंटे होती है, 16 घंटे होती है। आर्टिस्ट काम घर से निकलता है 1 घंटे पहले, घर पहुंचता है 1 घंटे बाद, उसके बाद 12 से 14 घंटे तो ऐसे ही हो गए, 16-17 घंटे काम करने के बाद शरीर में ताकत कहां बचती है कि वो कुछ और सोचेगा। एंड बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस 60 दिन में, 90 दिन में, 120 दिन में पेमेंट देते हैं, अधिकतर 90 दिन का तो चक्कर है सब जगह। तो मुझे एक बात बताए, कभी ऐसा हो जैसे सपोज आपका एक ग्रुप है लड़कों के, जनरली एक दो एडल्ट ग्रुप्स होते हैं, एंड आई हैव सीन इट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने जो इंजीनियरिंग में बैचमेट्स हैं, आई एम स्टिल इन टच विद देम एंड मैक्सिमम के, तो उनके ग्रुप होते हैं, तो कई बार उनके ग्रुप में ना मेरे वीडियो डाल जाते हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि आपके किसी ग्रुप में आपका कोई वीडियो आ गया हो, एक वायरल हो गया हो, एंड देन बोल्ड कंटेंट का तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया मैं शुरुआत में प्रोफेसर था, तो मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे सेकंड या थर्ड बैच के स्टूडेंट्स का इंग्लैंड में एक ग्रुप है, सबको अलग अलग टाइम पे इंग्लैंड पहुंच गए, सब मिले एल्यूमनी एसोसिएशन मीटिंग में, उन्होंने ग्रुप बनाया। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फिल्म रिलीज होती हुई थी, यामी गौतम वाली चोर निकल के भागा, ये मडॉक फिल्म्स की, उसमें मैं डायमंड स्मगलर बना। तो इन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है 1988-89 में, समझिए आज से 30